Hi, this is Publi Bharti from Mithrasangama Film Institute. Rahul, जिंदगी में हमें जो चाहिए वो पाना इतना आसान नहीं है। मजहब अलग है तो क्या हुआ, हमारा देश धर्म एक है, तो फिर क्यों डरते हो? हम दोनों का मन और शरीर एक है, चाहे कोई माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैं तुम्हें से शादी करूंगी। मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए देख रहे हैं। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी राहुल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें से शादी करूंगी। प्लीज समझो, मुझे मत छोड़ो राहुल। नेक्स्ट टाइम जी, आपका नसीब खराब नहीं है, मेरा नसीब खराब है जो मैं तुमसे शादी करके यहाँ आ गई। सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, इधर बर्तन माँजो, इधर कपड़े धो, बच्चे को रेडी करके स्कूल भेजो, इतना सारा काम करते करते मुझे इतना टाइम तो हो ही जाएगा। कल से ना तुम एक काम करना, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के ना अपना डिब्बा खुद बना लेना, समझे? इससे ना मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी और तुम्हारा भी डिब्बा बन जाएगा। अरे रे, तुम्हारे चक्कर में मैंने दूध चढ़ाया था, सारा चल गया। हाँ, तुम्हारा डिब्बा उधर ही पड़ा है, ले लो और निकल जाओ। वहां पर से एक अचानक सी भयानक सी आवाज आने लगी। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, वहां पे एक छोटी सी गुंबा दिखाई दी। उस गुंबा के अंदर से भयानक सी आवाज चारों तरफ से आ रही थी। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी, वहां पे डरावनी सी लड़की की बड़ी सी तस्वीर थी, जैसे कि मैं खुद खड़ी हूँ, जैसे कि वो तस्वीर मेरी है। लेकिन वो आवाजें कहाँ से आ रही थी कुछ पता नहीं चला। मैं इतनी डर गई कि मैं कंपाउंड से छलांग लगा के गेट के पास भाग के आ गई, वरना मैं जिंदा वापस नहीं आ पाती। उसके बाद कहीं से व्हाट क्या कहा तुम उससे? प्यार करता है। शायद तुझे पता नहीं तो किससे बात कर रहा है, शायद तुझे मेरी हैसियत के बारे में पता नहीं है। मुझे पाना इतना आसान नहीं है, और वैसे भी क्या दे सकता है तू मुझे? अपने हालत देखा है, ये फटा हुआ जीन्स, ये फटी हुई टी शर्ट, कभी अपने आप को आईने में देखा है? गरीब कहीं का भिखारी, प्यार करता है मुझसे, ये देख तेरा प्यार, इधर देख प्यार, तेरा प्यार रख तू अपने पास, समझा? ठीक है, सुन, चल मैंने मान लिया कि प्यार करता है मुझसे। एक बात याद रखना, जिस दिन तेरी औकात हो जाएगा कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरा कर सके, उस दिन आना, उस दिन शायद मैं तुझे अपना लूं, समझा? अब निकल।
देख भाई, मैं तुझे जो कुछ भी बोलने वाली हूँ शायद तुझे अच्छा ना लगे, शायद तुझे बुरा लगे, लेकिन मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। कल मैंने जो माँ के इलाज के लिए पैसे रखे थे तूने उसको भी उड़ा दिया है। तू जो दिन भर ऐसे जुए के अड्डे में जाके बैठता है, जुआ खेलता है, उसे पता है माँ को कितनी तकलीफ होगी, तुझे पता है माँ को कितना बुरा लग रहा होगा, जरा सा भी अंदाजा है तुझे इस बात का? तूने माँ के इलाज के पैसे को भी जुआ में हरा दिया। अब बता माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएगा, कहाँ से लाऊं मैं इलाज के लिए पैसे? मामा जी से दो बार पैसे मांग चुकी हूँ, अब मामा जी से भी पैसे नहीं मांगे जा सकते। ये घर भी लोन पे है, किराया है इस घर का, घर से भी दो पैसे नहीं आने वाले। अब बता इलाज के पैसे कहाँ से लाओ, कहाँ से आएगा? मेरी जितनी भी तनख्वाह थी इस महीने का राशन पानी लाने में खर्चा हो गया, इलाज के लिए दो पैसे नहीं बचे हैं, अकेली मैं कितना कुछ करूँ? घर बाहर माँ का इलाज, तू कुछ तो समझ, कुछ तो मदद कर, माँ के इलाज के लिए कुछ तो मदद कर, और ये जुआ खेलना पैसे बर्बाद करना बंद कर, अब बंद कर भाई, प्लीज प्लीज बंद कर। नमस्ते।